पूरी दुनिया में 70% से ज़्यादा लोग एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ज़्यादातर स्मार्टफोन चीनी कंपनियाँ बनाती हैं। इनमें वन प्लस, ओप्पो, वीवो, शाओमी, रेडमी, इन्फिनिक्स, पोको जैसे ब्रांड शामिल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग और ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन की एक रिसर्च स्टडी सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि चीनी ब्रांड के एंड्रॉयड स्मार्टफोन में स्पाईवेयर यानी जासूसी एप्स पहले से इंस्टॉल रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं techlosip.in। इस रिसर्च स्टडी में यह दावा किया गया है कि चीनी कंपनियां अपने स्मार्टफोन में पहले से ही कई ऐप्स इंस्टॉल करके देती हैं, जिनके जरिए यूजर्स की अनुमति के बिना डेटा कलेक्ट और ट्रांसमिट यानी संचारित किया जाता है। स्टडी के मुताबिक ये जासूसी ऐप्स स्मार्टफोन में यूटिलिटी और सिस्टम ऐप्स के तौर पर बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन में इंस्टॉल रहते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन ऐप्स को पहले से ही कई चीज़ों के परमिशन दिए जाते हैं जिन्हें यूजर्स नहीं बदल पाते हैं। इन ऐप्स के जरिए यूजर्स द्वारा स्मार्टफोन पर की गई जाने वाली एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके बारे में यूजर्स को भनक तक नहीं रहता। ऐप्स द्वारा कलेक्ट की गई जानकारियों में डिवाइस की इंफॉर्मेशन के साथ साथ यूजर लोकेशन, प्रोफाइल, सोशल मीडिया रिलेशनशिप, कॉन्टैक्ट डिटेल आदि शामिल हैं। इस रिसर्च स्टडी में यह पाया गया है कि चीनी कंपनियाँ द्वारा पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स यूजर्स की जानकारी के बिना लगातार इन डेटा का चोरी करते हैं, जो यूजर्स प्राइवेसी के लिए खतरे की घंटी है। आप और हम जैसे कई यूजर्स जो डेटा प्राइवेसी को लेकर जागरूक हैं, वो भी इन जासूसी ऐप्स से नहीं बच पाते। ये ऐप्स चोरी छिपे डिवाइस की आइडेंटिटी, GPS कोऑर्डिनेट्स, ऐप्स यूसेज पैटर्न, कॉल्स और मैसेज हिस्ट्री समेत फ़ोन में सेव किए गए कॉन्टैक्ट नंबर भी चुराते हैं। यूजर्स के पास इन ऐप्स को हटाने का कोई विकल्प नहीं रहता है। चीनी एजेंसियाँ यूजर्स के डिवाइस से चुराई गई इन जानकारी को जासूसी करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि इस रिसर्च स्टडी के जरिए जिन स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया गया वो मुख्य तौर पर चीन में बेचे जाते हैं और एंड्रॉयड के चीनी वर्जन पर काम करते हैं। ऐसे में जो पर्यटक, छात्र और बिजनेस ट्रेवलर्स चीन जाकर कोई एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदते हैं, उनको ज़्यादा सतर्क करने की ज़रूरत है। चीन में बिकने वाले ज़्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफोन अन्य देशों में बिकने वाले स्मार्टफोन के मुकाबले ज़्यादा प्रीलोडेड ऐप्स के साथ आते हैं, यानी इसमें पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। यूरोप, अमेरिका और भारत आदि में इंटरनेशनल रेगुलेशन और पॉलिसी की वजह से कम प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स दिए जाते हैं, लेकिन चीन से किसी डिवाइस को खरीदने पर यूजर की जासूसी आसानी से की जा सकती है। हालांकि भारत में मिलने वाले चीनी ब्रांड्स के ज़्यादातर स्मार्टफोन भारत में ही इंस्टॉल किए जाते हैं, यूजर्स नए फ़ोन को सेटअप करते समय प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स वाले विकल्प को स्किप या अनचेक करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा करने से फ़ोन में सिर्फ गूगल और सिस्टम ऐप से इंस्टॉल होंगे। इसके अलावा सेटिंग में जाकर ऐप परमिशन को मैनेज कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इसे शेयर करना ना भूलें। आप techlosip.in के YouTube और सोशल प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको टेक जगत की हर छोटी बड़ी खबरें मिलती रहेंगी।